रेबल में क्या सीन है, रेबल इज ऑन टेम्पररी रिलीव फ्रॉम एसेट्यूएल न्यूज वाले, ये भी लेफ्ट 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 क्या होता है भाई, एसेट्यूएल का भी खुद का इमेज है, आप लोग जब लिखते हो समबडी लेफ्ट एसेट्यूएल वो दैट पुट्स अस ऑन द बैड स्पॉट, मतलब इट्स नॉट लाइक कि कोई छोड़ नहीं सकता, छोड़ सकता है, बट हमारी इमेज को भी लगता है ना कि हम अननेसेसरी में कोई क्यों बात का बतंगड़ बना रहा है, इट्स लाइक हमने उसको टेम्पररी रिलीव दिया है एसेट्यूएल से, वो अपना खुद ही खेल रहा है, खुद ही कर रहा है, देखेंगे अभी 2-3 महीने, आई नो आप लोग को बुरा लगता है, मैं कमेंट सेक्शन देखता हूँ उसमें हम लोग को भी गाली दे रहे होते, बट ठीक है वो चलेगा, थोड़ी सी गालियां हम सह लेंगे बट इट्स फॉर द ग्रेटर गुड। बहुत सारे क्रिएटर्स ऐसे होते हैं जो एसेट्यूएल में इतना एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करते वीडियोस में, बट एसेट्यूएल रिलेटेड वर्क में, काम में या अपने काम में परफेक्ट है, तो हमको वो भी चलता है। अच्छा ये भी बता दूं, मैं कोई नए क्रिएटर नहीं ज्वाइन कर रहा एसेट्यूएल को, ऑल आई हैव Planned is that we will let go of people who do not treat SATUL like it has to be treated. The respect which SATUL has to be given is not given. और अपने काम को भी रिस्पेक्ट नहीं करते, उन लोगों का थैंक यू बाय बाय होने वाला है। K18 क्यों नाम स्पैम कर रहे हो भाई, क्यों जाएगा K18 कहीं? 2 साल से शादी होने के बाद से वो कहीं गया है क्या? K18 को जाना होगा, वो खुद जाएगा, हम उसको कभी निकालेंगे। जब तक वो रहा है उसने SATUL का पूरा नाम रोशन किया है, शादी के टाइम पे उसने हमसे आगे डिस्कस किया कि ऐसे ऐसे आई एम स्टार्टिंग माई न्यू लाइफ, आई नीड योर ब्लेसिंग, मैं ऐसे करूंगा वैसे करूंगा, एंड वी हैव हिज फुल सपोर्ट। उसको भी बहुत ऑफर आई, कुछ एजेंसीज से ऑफर आई जो खाली ब्लॉगर्स को मैनेज करते हैं, वो नहीं गया, ही वांट्स टू स्टिक विद अस। ऐसा नहीं है कि जरूरी किसी को निकालेंगे, बट हम ये बोल रहे हैं कि अगर अब SATUL के वर्किंग कंडीशंस के हिसाब से लोगों ने काम नहीं किया तो वी विल हैव टू रिलीव पीपल, दैट्स इट।